तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी पैंट बनी हुई है तो आप इसको नाप किस तरीके से लेंगे। तो नाप लेने का तरीका जो है दोस्तों वो आपको इसमें बताया जाएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से पैंट लेनी है अपनी, और ये वाला जो हिस्सा होगा जहाँ पे जिप लगी है आप वहाँ से भी नाप ले सकते हो। इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आप इंची टेप रखेंगे और इंची टेप को इस तरीके से लेके आना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप नापेंगे तो आपकी लंबाई आ रही है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से पकड़ने का 37 इंच। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लंबाई जो एल बना रखा है यहाँ पे 37। उसका दोस्तों मोरी आती है यानी कि बॉटम, तो ये नीचे वाला हिस्सा बॉटम का होता है, आप इसे डबल में नापेंगे तो ये आपका आ रहा है दोस्तों 5.6 इंच। आप अगर गोलाई में नापेंगे तो 11.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर मोरी होगी आपकी 11.5, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों टी बनाए यानी कि थाई, थाई को आप किस तरीके से नापेंगे, फ्रंट वाली साइड से आप इसे आसन वाली साइड से इस तरीके से ऐसे करें, और कपड़े में झोल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की दोनों तरफ, और आप इसे इंची टेप को यहाँ पे रख के जब नापेंगे तो ये दोस्तों आपका नाप आता 12.5। तो यहाँ पर आप 12.5 भी लिख सकते हो और 12.5 का डबल भी लिख सकते हो यानी कि 25 इंच। तो यहाँ पे मैंने दोनों नाप लिख दिए। उसके बाद दोस्तों आपको लेना अपने कमर का नाप, तो इसमें हम किस तरीके से नापते हैं, बेल्ट के हिसाब से नापते हैं, बनी हुई चीज़ होती है तो अपनी बेल्ट को इस तरीके से लेंगे इंची टेप को, और जब गोलाई में घुमाते हुए आएंगे तो यहाँ पे हमारी 16.25 इंच की दोस्तों बेल्ट होगी। यहाँ पर लिखा बेल्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे 16.25। उसके बाद दोस्तों लास्टिक है, तो लास्टिक में आपकी जो बेल्ट जहाँ पर आएगी यहाँ से हम लास्टिक को नापना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, और जहाँ तक लास्टिक लगी होती है वहाँ तक नापते हैं। तो लास्टिक यहाँ तक है तो ये 13 इंच हो गई, तो ये दोस्तों 13 इंच हम यहाँ लिख लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप बनी हुई पैंट का नाप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।